ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है गाइस। अभी इनका पेंटिंग हुआ, पेंट होने के बाद कितना और बेहतरीन लगेगा। कि यहाँ पे एक दीदी बैठी हुई है जो सामने में दुर्गा माँ जो है उन्हीं का पोर्ट्रेट बना रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्त, आज का सीन ये है कि आज हम लोग हैं कोलकाता के कुमार टोली में, जो कि यहाँ पे बहुत सारे दुर्गा माँ का मूर्तियाँ बनती है और मेनली यहीं पे बनती है। तो गाइस यहाँ देखिए कितना बढ़िया लग रहा है गाइस, बहुत ही शानदार लग रहा है। छोटे और बड़े से बड़े मूर्ति बनते हैं। ये देखिए हमारे पीछे दुर्गा माँ का मूर्ति बन रहे हैं। हम लोग कुमार टोली के पास पहुँच चुके हैं। यही गली है जिसमें माँ दुर्गा का मूर्तियाँ बनती है। चलिए इस गली के अंदर और दिखाते हैं हम आपको कि मूर्ति कैसे बनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस कुमार टोली की गली को एक्सप्लोर करते हैं। गाइस ये लुक ना बहुत ही यूनिक है और मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है ये लुक। आपको कौन सा पसंद आ रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। कितना सुंदर लग रहा है गाइस, अभी इनका पेंटिंग हुआ, पेंट होने के बाद कितना और बेहतरीन लगेगा। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया लग रहा है गाइस, काफी शानदार लग रहा है गाइस। यहाँ देखिए अभी सिंगों में भी रंग लग गया है। देखिए गाइस ये मूर्ति जो है घर पे जो नॉर्मल पूजा होते हैं उसके लिए बना हुआ है। ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन का, ये कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खेल रहा है माँ दुर्गा में। और ये देखिए काम जो हुआ है इसका कितना बारीकी से किया गया है। गाइस ये देखिए थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ फ्रेम में, काफ़ी शानदार लग रहा है गाइस। कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा अभी तो ये पता नहीं चल रहा है, वो बाद में आपको पता चल जाएगा। काफ़ी शानदार लग रहा है गाइस, सच में बहुत अच्छा लग रहा है।
गाइस यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे एक और दादा जो है माँ दुर्गा के, जो सामने में माँ दुर्गा है उन्हीं का पोस्टर बना रहे हैं। कितना बेहतरीन बना रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक दीदी बैठी हुई है जो सामने में दुर्गा माँ जो है उन्हीं का पोर्ट्रेट बना रही है। गाइस फाइनली वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।